जय साथियों, नेताजी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन नेताजी के द्वारा लिया गया एक उनके जीवन का बहुत ही अमूल्य, जो एक कह सकते हैं फैसला था, आज समाज में एक अलग ही पहचान बनाकर चला गया उन वीर जवानों के लिए। नेताजी का 13वीं नहीं होगा, दरअसल मामला यह है कि नेताजी के यहाँ मुंडन का जो कारोबार था वह समाप्त हो गया है। मुंडन होने के बाद से बताया है लोगों ने यहाँ पर जो है कि 13वीं यहाँ पर नहीं मनाया जाएगा। दरअसल इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम बड़े लोग हैं, यदि हम लोग 13वीं मनाते हैं, 13वीं काफ़ी खर्चा आता है, तो हम लोग तो इसको, इस परंपरा को निभा लेंगे, लेकिन जो छोटे लोग हैं जिनकी कम आमदनी है, उनके लिए इसमें जो है काफ़ी मुश्किलों भरा हो सकता है। इसलिए जो है नेताजी के यहाँ नेताजी की 13वीं नहीं मनाई जाएगी। और इसमें मेन जो कार्य है, 3 दिन पर जो है इसमें मुंडन होगा और महिलाएं जो हैं घर की वह अपने कपड़े जो है धोएंगी और नाखून को काटेंगी, यह सब सारी चीज़ें होगा। उसके बाद से जो है लगभग 11 या 22 दिन के बाद से, कुछ अभी कंफर्म नहीं है, हवन होगा, शांतिपूर्ण हवन होगा। उसमें किसी भी प्रकार का कोई दान पुण्य या खान पान का कोई व्यवस्था नहीं किया जाएगा और सिंपल जो है घर के मेंबर्स ही लोग होंगे, और इस तरह से जो है कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा और नेताजी के आत्मा को शांति मिले उसके लिए जो है सब हवन किया जाएगा। तो मेन उद्देश्य यही है कि किसी तरह से समाज में फालतू खर्च से बचाने के लिए जो है 13वीं का जो कार्यकाल है इसे रोक दिया गया है। फला नेताजी के लिए यहाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक समाज में यहाँ आईना दिखाने की कोशिश किया है कि यदि किसी के परिवार में इस तरह से दुख की घड़ी में कोई हो और उसके पास उसे जो है यदि 13वीं करनी पड़े, 13वीं में तमाम जो है खर्च आते हैं, तो काफ़ी दिक्कतों भरा हो सकता है। हो सकता है किसी के यहाँ उनके जो मेन सदस्य हों पैसा कमाने वाले वही न रहें, और उनके फैमिली में जो लोग करने वाले हैं 13वीं, यदि करते हैं तो काफ़ी जो है उनको इसका जो है भरपाई करना पड़ेगा, जिसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसलिए 13वीं नहीं होगा।